देश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर पूरा देश पस्त है। लोगों का कहना है कि इस महंगाई ने उनका जीना मुहाल किया हुआ है, जिसको लेकर हरियाणा में पिछले कई दिनों से हर संगठन और विपक्षी पार्टियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सिरसा के अम्बेडकर चौक पर आप नेताओं ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, साथ ही खाली कटोरे लेकर भीख मांगकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि सरकार आमजन को मारने का काम कर रही है, इस बेरहम सरकार को आमजन का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। सर, आज हमने बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया है, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां वो हर साल देंगे, और इसी वादे को पूरा करने के लिए लोगों ने उनको केंद्र में भेजा था, परंतु सरकार बनने के बाद आज 6 साल हो गए हैं, नई नौकरियां पैदा नहीं की जा रही, और सरकार इस प्रकार की कॉरपोरेट घरानों के लाभ के लिए नीतियाँ बना रही हैं, जिससे जो सरकारी नौकरियाँ थी वो प्राइवेट ठेकेदारों को दे दी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, और छोटे जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो रही हैं, छोटे दुकानदार, छोटे रेहड़ीदार और जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग थे उनके रोजगार पर भी आज खतरा पैदा हो गया है। आज हजारों युवक कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में महंगी फीस से देकर पढ़ रहे हैं। हम केंद्र सरकार से यही पूछने के लिए आज हमने भीख मांगी है कि ये युवक क्या नौकरियां करेंगे, भविष्य में सरकार के पास इनके लिए क्या विजन है। मोदी जी कहते वहीं जुलाना में भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर मेन बाजार से होते हुए पुराने बस स्टैंड तक सांकेतिक रूप से उन्होंने प्रदर्शन किया। कहा कि प्रदेश में रोजगार की हालत चिंताजनक है, आज का युवा डिग्री लेकर सड़कों पर घूम रहा है। आज आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में 90 की 90 विधानसभाओं पर बेरोजगार, गैस और तेल के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया है। पूरी टीम ने पूरे जुलाना में होते हुए जी, आज हमने ये ऐसी जालिम सरकार के विरोध में, जिन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने करोड़ों युवाओं को फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। आज नंगन अवस्था में हमारे युवा होकर के और हाथ में कटोरा लेकर के पूरे शहर में ये जुलूस निकाला है सरकार को चेताने के लिए, और तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया है। धन्यवाद। वहीं कैथल में भी आप कार्यकर्ताओं ने कपड़े उतारकर बेरोजगारी को लेकर रोष मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले जवाहर पार्क में इकट्ठा हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए पिहोवा चौक पर पहुंचे और कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया। कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज रोजगार देना तो दूर, 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। आज हम प्रदर्शन जो कर रहे हैं, बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले जो ये वादा किया था और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, मगर 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की कहाँ, ये तो 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं। इसीलिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहा है युवा। इसी के चलते हम युवा इकट्ठे हुए हैं बीजेपी सरकार को यह चेतावनी देने के लिए, या तो युवाओं को रोजगार दो, अन्यथा ऐसे ही आपकी रोज प्रदर्शन करेंगे, और जब तक आपकी सरकार सत्ता में रहेगी हम युवा आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश भर में आप कार्यकर्ताओं की ओर से महंगाई के खिलाफ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया। राज्य के अलग अलग हिस्सों में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और भीख मांगकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो देश प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। जब तक सरकार के कानों पर आवाज नहीं पहुंचती, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कैथल से विपिन शर्मा, जुलाना से जयवीर सिंह और सिरसा से आशीष सिद्धू की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।